जीतू पटवारी का बीजेपी प्रत्याशी पर ऐसा तंज कि नरेंद्र सिंह तोमर की आंखों में आ जाएंगे आंसू। आखिर मंच से ऐसा क्या बोल गए जीतू पटवारी, अब शिव मंगल सिंह तोमर को कैसे बचाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों तमाम पार्टियां जीत की जद्दोजहद में लग गई हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस वक्त कांटे की टक्कर है। एमपी में कुछ हॉट सीटें भी हैं, इन्हीं में से एक सीट है जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये सीट है मुरैना श्योपुर की सीट। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है। चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे कांग्रेस बीजेपी के नेता एक दूसरे को खूब बेइज्जत भी कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने पहुंचे एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी उम्मीदवार शिव मंगल सिंह तोमर को आड़े हाथ लिया। सभी जानते हैं कि शिव मंगल सिंह तोमर नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी है, यही कारण है कि कहा जा रहा है इस सीट पर तोमर की साख भी दांव पर लगी हुई है। शिव मंगल की जीत के लिए तोमर जी जान लगा रहे हैं, वही कांग्रेस भी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद किसी का भी प्रयोग करने से पीछे नहीं हट रही। इसी कड़ी में जीतू पटवारी जब चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी के पसीने छूट गए। जी हाँ, जीतू पटवारी ने भाजपा प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर को नरेंद्र सिंह तोमर का रबड़ स्टैंप कहकर संबोधित किया। पटवारी कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू के नामांकन सभा में संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। सभा में खुले मंच से भाजपा प्रत्याशी को रबड़ स्टैंप कहकर उन्होंने संबोधित किया। फिर मीडिया को दिए बयान में जीतू पटवारी ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पर जमकर निशाना साधा और कहा जब दो बार सांसद बने नरेंद्र सिंह तोमर गुरु ने मुरैना श्योपुर के लिए कुछ नहीं किया तो चेला कैसे करेगा। क्या कुछ कहा उन्होंने आप खुद दाखिल कराने के अवसर पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुरैना की ये पावन भूमि, ये चंबल की माटी, बहादुरों की माटी, इसमें सबसे ज्यादा सेवक सैनिक शहादत देते हुए अपने बेटों के प्राण देने वाला साहस अगर कहीं है तो इसी माटी के बंदों में है, यहाँ के जन परिवार जनों में है। मुझे गौरव महसूस होता है यहाँ के। आज सवाल है कि ग्वालियर चंबल की इस धरती पे जो केंद्रीय मंत्री हुए आदरणीय तोमर साहब, फिर पड़ोस से जिनने कांग्रेस की सरकार गिरा दी आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी, और कई लोग जो मध्य प्रदेश की सरकार में भी अलग अलग ओहदों पर रह के मंत्री रहे, पर ग्वालियर चंबल संभाग को क्या मिला? क्या मिला मुरैना को? क्या एक फैक्ट्री ऐसी जिसमें बच्चों को रोजगार मिले? क्या एक कृषि का ऐसा अनुसंधान जिससे एग्रीकल्चर और कृषि पर विकास हो? क्या यहाँ के बच्चों को लेकर कोई ऐसी स्पोर्ट्स की एकेडमी जिससे वो आगे बढ़कर देश की सेवा कर सके? आखिर नरेंद्र तोमर 10 साल यहाँ सांसद रहे, मंत्री रहे, पर मुरैना को क्या दिया? ये सवाल है। और मैं मानता हूँ शिव मंगल सिंह सुमन साहब उनके रबर स्टाम्प है तोमर साहब, तो जब गुरु ने ही कुछ नहीं किया तो चेला क्या करेगा? सवाल तो ये है। नीतू सिकरवार के परिवार का, खानदान का हमेशा से इतिहास रहा है सेवा का, समर्पण का, त्याग का, बलिदान का, और अपने से ज़्यादा जनता को प्यार करने का। मैं मानता हूँ जनता का एहसास कराता है, हवाएं कह रही है कि आंधे आने वाली है, और मैं मानता हूँ नीतू सिकरवार जी भारी बहुमत से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में यहाँ जीतेंगे। पटवारी के इस बयान के बाद सियासी बयार किस तरफ चलेगी ये कहना मुश्किल है। ऐसे में देखना होगा कि इस बयान पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होती है। अमित शाह जी ग्वालियर में भी नाइट हाल्ट करके गए थे जब प्रदेश की सरकार बन रही थी, चुनाव चल रहे थे। उन्होंने कहा था 5 गारंटी मोदी की है, गेहूं के दाम की 2700 की बात की थी, 3100 धान की बात की थी, 3000 बहनों की बात की थी, 450 का गैस सिलेंडर की बात की थी, एक भी मोदी गारंटी पूरी नहीं हुई। अमित शाह जी आज क्लियर करें, छिंदवाड़ा की इस पावन भूमि पर मध्य प्रदेश की जनता सवाल करती है, 5 गारंटियों का क्या हुआ? देश सबसे बड़ा बेरोजगार क्यों है? सबसे ज्यादा करप्शन आपकी पार्टी ने क्यों किया? क्या कारण है सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में क्यों चले गए? आज देश ये पूछना चाहता है अमित शाह जी से कि यहाँ के गेहूं का, धान का, बहनों के 3000 का क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा? उत्तर दो, नहीं तो किस बात के वोट लो? ये सवाल है। कॉन्फिडेंस 50% सीटें कांग्रेस की 100% जीतेगी। धन्यवाद।
आपको बता दें ये खबर मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने हमें भेजी है। आपकी क्या राय है इस खबर पर, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।